क्या है क्या है? बंदूके आ? हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो अभी बज रहे हैं 9:30 सुबह के और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट हुआ है, वो भी उन्होंने बाहर से लाया था तो वो किया है। पिचकारी में बंदूक नहीं रहता, पिचकारी में पानी रहता है। अद्विक को थोड़ा सा रेडी कर दिया है, तेल वगैरह लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है यहाँ पे उसके फेस पे क्योंकि वो जाने वाला है बाहर खेलने के लिए होली। और हाँ, ये बहुत लेट उठा है इसी वजह से, नहीं तो माही की तो होली खेल के वो अभी नहा भी रही है और एक बार जाएगी क्योंकि उसको ना थोड़ा सा मतलब कितनी बार नहाती होली के दिन पता नहीं, अभी गई पूरा भर के आई और नहा रही है अभी और जाएगी। मैंने उसको बोला कि शाम को नहाना, बट नहीं अभी उसको नहाना था, अभी इसको लेके जाएगी और बाहर होली खेलने के लिए। तो अभी इसे पहले मैंने रेडी कर दिया है क्योंकि उसके फेस को कलर सूट नहीं होगा इसी वजह से। हाँ होली शर्ट कलर पर लावा लगते बहुत। हाँ होली शर्ट कलर लावा लगते है कशा। हाँ। मैंने नहाया भी नहीं है कुछ भी नहीं, ब्रेकफास्ट हुआ है सिर्फ, कुछ भी नहीं किया है तो ऐसी बैठी थी। मैं सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आपको भी विश कर देती हूँ, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और मेरी तरफ से, अद्विक की तरफ से, हम सभी की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली कैसी जा रही है जरूर बताइएगा, हमारी तो ऐसी ही जा रही है, मतलब घर पे ही बैठे हैं। अद्विक खेलने जाएगा होली, है ना अद्विक? अद्विक को पूरा बाल को भी ऑयल लगा दिया है मैंने अद्विक के, ताकि अद्विक के बाल भी खराब ना हो और अद्विक की स्किन भी खराब ना हो। मम्मा पापा माजे भांग चपके सुन देते, पापा माजे भांग चपके चपटा करून देते पापा, मुंह का कलर निकल गया। माँ ये पूछ रही है मेरे फेस का कलर निकला क्या, तो पक्का कलर की होली नहीं खेलना, पक्के कलर की उनको बोलना कि पक्के कलर नहीं लगा। सब घसी मेरे चेहरे पे पूरे हाथ पे, क्या कर दिया? नहीं वो नहीं करना, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। और अद्विक होली खेलने जा रहा है ना? कब दीदी के साथ? दीदी के साथ जाओगे ना? कौन सा मास्क पहनोगे ना? फेस को कलर नहीं लगाने देना, नहीं वो डरावना मास्क पहनना। डरावना मास्क? हाँ फिर निकलता नहीं आता। निकलते नहीं आता। चलिए फिर मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। मम्मा कैसा बोलता, डराता भूत, डराता भूत। अच्छा अच्छा, आप भी डराना फिर सबको, ठीक है? मैं तो भूत बन जाता फिर। हाँ आप तो भूत बन जाते हैं। तो चले फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, मैं नहा वगैरह लेती हूँ और उसके बाद मम्मा नींबू क्या मम्मा, करना है तो वो डिसाइड करूंगी। मम्मा नींबू को खाली रहते, अरे वो अपने फ्रेंड के घर, मतलब उसने बुलाया है होली खेलने के लिए, तो मतलब उसने टाइम पे बताया मुझे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो जाके आ जाती हूँ उसके घर पे। और फैन की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो इग्नोर करना उसकी। और चलिए फिर जल्दी से मैं जाके आ जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब क्या कर रहे हो दीदी की चप्पल पहन के? हाँ पापा को हेल्प कर रहे हो? हाँ अरे अरे अरे, गाड़ी वॉश करने के लिए। अद्विक पापा को हेल्प कर रहे हो आप? इधर आओ इधर आओ। अद्विक अरे हाँ घान करो ते पाए। ए अद्विक इकड़े ये बेटा, ये मच्छर चलती है बेटा। ये बोले इकड़े हे की पाइप गे ना। एक्चुअली क्या हुआ कि हेयर ऑयलिंग किए थे मैंने अभी, तो इसी वजह से मुझे
हेयर वॉश करने था तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसी वजह से मैंने नहा भी लिया। और अभी थोड़ी देर में जिम के लिए निकलना है तो इस वजह से मैंने नहा लिया और उल्टा कर रही हूँ मैं। जिम से आने के बाद नहाना था बट मैं जिम जाने से पहले नहा रही हूँ। बट कोई बात नहीं, ऑयलिंग की थी मैंने तो इस वजह से बाल चुपकू चुपकू लग रहे थे तो मुझे हेयर वॉश ही करना था। और हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है हेयर केयर के बारे में, अगर आपको मेरा हेयर केयर रूटीन जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, मैं आपके साथ अपना हेयर केयर रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है हेयर केयर रूटीन शेयर करने के लिए। बट अगर आप जानना चाहते हो तो मैं ब्लॉग में शेयर कर दूंगी अपना हेयर केयर रूटीन। मैं ऑयलिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं हेयर मतलब अपने वॉश करती हूँ। थोड़ा सा हेयर केयर रूटीन सिंपल सा है मेरा बट काफ़ी इफेक्टिव है, तो इसी वजह से आपके साथ अगर शेयर करना मतलब आप चाहते हो शेयर करूँ मैं तो आपके साथ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ पहले और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बस गाइस रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं जिम, अब जिम जाके आ जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। खाना भी बनाना है उसके बाद अभी। और हाँ, यहाँ पर इतने सारे बर्तन पड़े हैं यार, दिखाती हूँ मैं आपको पहले। ये देखिए, देख लिया आपने, दो दिन से जो हेल्पर थी मेरी बर्तन वाली वो नहीं आई थी, इसी वजह से इतने सारे बर्तन उसने अभी वॉश करके दिए हैं मुझे। एक्चुअली ये लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा, मतलब दो दिन से ऐसे ही बर्तन पड़े थे और उसमें फेस्टिवल भी था और मेहमान भी आए थे कोई मेरे घर पे, तो इसी वजह से इतने सारे बर्तन निकल गए थे। और दो दिन वो आई नहीं तो इसी वजह से इतने सारे बर्तन निकल गए थे, तो आज उसने वॉश करके दिए मुझे। तो इतने सारे बर्तन मुझे लगाने हैं, तो पहले जाके आ जाती हूँ जिम और उसके बाद हेयर भी वेट ही है मेरे अभी, तो पहले जिम जाके आ जाती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दिखाओ अद्विक, अद्विक हाय बोल दो। तो जिम जाके आने के बाद अद्विक से मिलाती हूँ मैं आपको। किती पाहिजे तुला? पाच। पाच मम्मा, याच्यातून पाणी पण निघते। पाणी पाणी निघते याच्यामधन? हो। ओ अननस ठीक है? ठीक है ना इतना? दूसरा मीठ नहीं, दूसरा नमक। गाइस यहाँ पर हो रही है डिनर की तैयारी और मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी। एक्चुअली गट्टे की सब्जी खाए हुए काफ़ी दिन हो गए तो इसी वजह से मैं गट्टे की सब्जी बना रही हूँ यहाँ पे। और गट्टे की सब्जी बनाने के लिए ना थोड़ा सा पहले एक कप आपको बेसन लेना है, एक कप में काफ़ी सारे गट्टे बन जाएंगे। उसके बाद आपको उसमें मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी और जीरा मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कर देना है आपको और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपको उसमें एक बड़ा चम्मच दही का ऐड करना है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है ताकि गट्टे जो है हमारे सॉफ्ट बने। फिर दही और जो हमने तेल ऐड किया है उससे हमारे गट्टे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप थोड़ा सा सोडा भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, उससे आपके गट्टे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। बट अगर दही हो तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। दही तो चाहिए होगा, हमें ग्रेवी के लिए भी चाहिए होगा। अगर आपको उसमें दही नहीं ऐड करना है मतलब ग्रेवी में दही नहीं ऐड करना है तो आप टोमेटो प्यूरी भी ऐड सकते हो। और हाँ, गट्टे की जो लोई है मतलब भिगोने के टाइम ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमें उसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, नहीं तो ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो उसकी लोई बनानी है हमें इस तरह से, और थोड़ा सा ही पानी ऐड करके हमें इस तरह से लोई बनानी है। और उसके बाद गट्टे के लिए इस तरह से फिंगर के शेप में आपको गट्टे बना लेने हैं, सारे गट्टे इसी तरह से फिंगर के शेप में बना लेने हैं। और उसके बाद मैंने वहाँ पर पानी भी चढ़ा दिया है ताकि हमें गट्टे के लिए पानी लगेगा, हम गट्टे जो है हमें बॉयल करने हो गए तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर बॉईल करने के लिए पानी भी रख दिया है।
तो इस तरह से मैं सारे जो गट्टे हैं वो बना लूँगी। और एक कप ये जो है बेसन में काफ़ी सारे गट्टे बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्जी बन जाती है, तो इसी वजह से आप देख सकते हो उधर कितने सारे गट्टे बन गए हैं। तो इसी तरह से गट्टे बना लूँगी, और जब पानी बॉईल हो जाएगा उसमें थोड़ा सा तेल डाल के मैं सारे गट्टे डाल दूँगी, और ये गट्टे जल्दी बॉईल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे आपके गट्टे इस तरह से अगर आप बनाओगे तो। और बस गट्टे बॉईल होने देंगे, और हम यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज और दो मिर्च, हरी मिर्च, तो इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से ग्राइंडर में। और उसके बाद ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगा दही, एक कटोरी मैंने दही लिया है, उसमें हम मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी मिर्च पाउडर ज़्यादा ही ऐड करेंगे, और धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे, और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। बस आमचूर पाउडर ना, आमचूर पाउडर से खट्टा नहीं होगा बट बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आएगी उसकी। तो इस तरह से आमचूर पाउडर ऐड कर देने के बाद, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ना गट्टे की सब्ज़ी बहुत इजी है बनाना बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हो या कुछ मतलब आपको अलग सा खाना हो, तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। और ये पानी नहीं फेंकना है आपको, पानी उसमें ग्रेवी में ऐड करना है आपको। तो इसी तरह से मैं सारे गट्टे जो है वो छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में काट लूँगी, और इस तरह से काटने के बाद हमें एक कढ़ाई में ऑयल डालना है, और उसके बाद हमें उसमें हींग डालना है और जीरा डालना है, और दो चार लाल मिर्च डाल देनी है, मतलब टेस्ट के लिए, और दिखने में भी अच्छा दिखता है। और उसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा था प्याज का, वो ऐड कर देना है उसमें, और उसे अच्छे से चला लेना है ताकि जो प्याज है उसका कच्चा टेस्ट चला जाए। तो अच्छे से चला लेना है उसे, और प्याज अच्छे से भून जाए। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और उसे भी अच्छे से भून लेना है ताकि सारी चीज़ों का कच्चापन चला जाए और जो मसाला है हमारा तेल छूटने लगे। तो बस यहाँ पर मसाला भून चुका है मेरा, तो उसमें मैं जो हमारा ये मैंने दही का पेस्ट बना के रख दिया था, तो वो मैं उसमें ऐड करूँगी, और बस इसे भी अच्छे से चला लेना है ताकि आपका दही जो है, एक्चुअली ये ऐसे चलाने के से दही नहीं फटेगा, मतलब बट दही का जो पानी है वो पूरा छूटना चाहिए, मतलब तो वैसे आपको दही जो है चला लेना है अच्छे से, दही का पानी छूट जाएगा और उसमें आपको जो ऊपर ऑयल आ जाएगा, तो इस तरह से आपको उसको चला लेना है और उसमें गट्टे ऐड कर देने हैं। बस गट्टे भी अच्छे से चला लेने हैं, और हाँ बस थोड़ी देर पकने देना है, और उसके बाद आपको वो जो पानी हमने निकाल के रखा था वो पानी ऐड कर देना है, और पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है आपको, गट्टे को पकने के लिए ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, तो जितनी आपको ग्रेवी लगेगी उतना ही पानी आपको ऐड करना है, और बस 2 मिनट के लिए पका लेना है गट्टों को। और उसके बाद आपको उसमें गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता वगैरह ऐड कर देना है, और बस हमारे गट्टे जो है रेडी हो चुके हैं। गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत कम टाइम में बन जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर मेरी गट्टे की सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यम्मी दिख रही हो, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यम्मी थी। कलर कितना खेला यार उस दिन। और हाँ, मेरा कलर अभी तक नहीं निकला है होली का। और हाँ, मैं बताना भूल गई आपको, सॉरी, मैं बताना भूल गई। उस दिन होली के दिन मैं गई थी मेरे फ्रेंड के घर, उसके बाद मेरे घर पे गेस्ट आए थे, और उसके बाद मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि गेस्ट आ गए थे और उनके सामने अच्छा नहीं लगता था, इसी वजह से मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। इसी वजह से मैंने आज व्लॉग को कंटिन्यू किया है, और 2 दिन के बाद मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ।
और वहाँ पर गई ना, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर पार्टी थी एक्चुअली। तो पार्टी में एक मिनट, वहाँ पर पार्टी थी बट वो पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पर ही दिखा दूँ, पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद मैं गई तो उन्होंने इतना कलर लगाया मुझे, और मुझे पता नहीं था एक्चुअली ये वो गीला कलर लगाते हैं। मैं अच्छे कपड़े वगैरह पहन के गई थी, मुझे लगा सूखे कलर की होली खेलेंगे, वाइट कलर की होली खेलती हूँ, तो मैंने सोचा वो भी सूखे कलर की होली खेलते होंगे, इसी वजह से मुझे पता ही नहीं था इतना कलर लगाएंगे। अभी तक कलर नहीं छूटा है, तो दो दिन से मैं कलर छुटाने की कोशिश कर रही हूँ। उंदिर मामा ढोल वादी, तो अभी तक कलर नहीं छूट रहा है, आपको पता नहीं नेक पे दिख रहा होगा नहीं, कलर है अभी भी नेक पे, और फेस पूरा पिंक पिंक, ये देखिए ईयर पे पिंक, तो पूरा पिंक फेस हो गया था। अच्छा हो गया ग्रीन कलर नहीं लगाया, नहीं तो मैं पूरी ब्लैक की होती। तो चले फिर, मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही पेंट करूँ, काफ़ी लेट हो गया है, 11:30 बज गया है अभी, और काफ़ी लेट हो गया है, इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मैं आपको ये दिखाना भूल गई, तो किसी ने मुझे पूछा था वो इयररिंग्स के बारे में, मतलब जो शादी में इयररिंग्स मैंने पहने थे, एक्चुअली मैं भूल ही गई, आपको उस दिन साड़ी दिखाई बट इयररिंग दिखाना भूल गई थी। एक मिनट अद्विक, प्लीज़ अद्विक, एक मिनट का प्लीज़ दिखाने दो बेटा, बाद में बजा लेना जितना बजाना है आपको, ठीक है। तो ये वाले इयररिंग्स है वो, हाँ ठीक है, ये वाले इयररिंग्स है, और ये मैंने लिए हैं मीशो से, और इस तरह के बॉक्स में आए थे, मीशो से लिए हैं, और इस तरह के इयररिंग्स है, गोल्डन इयररिंग्स है, और बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपने तो देख ही लिए, साड़ी पे कितने ज़्यादा अच्छे लगते, साड़ी पे कुर्ती पे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और इस तरह से इयररिंग्स है, ये गोल्डन कलर के, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब आपको लगेगा भी नहीं पहने हुए हैं, मतलब ऐसे हिलेंगे तब पता चलेगा कि हाँ पहने हुए हैं, नहीं तो पता नहीं चलता, इतने ज़्यादा लाइट वेट है ये, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, और इसी वजह से मैंने ये पहने थे। एक्चुअली आप इससे कुर्ती पे भी पहन सकते हो, अगर आपके पास गोल्डन प्रिंट वाली कुर्ती है, या आपके पास प्लेन भी कुर्ती है, तो उस पर भी आप पहन सकते हो, तो इससे एक पार्टी वेयर लुक आ जाएगा आपका कुर्ती पे भी, और साड़ी पे तो आप इसे पहन ही सकते हो, जैसे आप मैंने पहना था साड़ी पे, तो आपने देख लिया साड़ी पे कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये इयररिंग्स है, और ये इयररिंग्स ना उस दिन मैंने ब्लॉग तो एंड कर दिया, बट बाद में मुझे याद आया कि आपने इयररिंग्स के बारे में भी पूछा था, तो चलिए आपने इयररिंग्स देख लिए, तो इसका मैं प्रोडक्ट कोड दे दूंगी आपको, और मीशो ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी दे दूंगी आपको, मीशो ऐप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मीशो पे बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ये जो अगर आप बाहर लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं इयररिंग्स, बट आप मीशो पे लोगे तो बहुत सस्ते आपको इयररिंग्स मिल जाएंगे। आपको मैं साइड में इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, अगर आपको देखना है ये इयररिंग्स कितने के हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, आपने अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और दोनों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। गुड नाइट माही, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, चलो लव यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, चलो बाय बाय, मिट्टू गुड नाइट, गुड नाइट, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, मिट्टू नाइस टू मीट यू, चलो बाय, मिट्टू, चलो एक बार बोल दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, like share and subscribe to my mama channel okay na to advik channel to my channel ha subscribe to my channel चलो बाय।